गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखो कितना अंधेरा हो रहा है, हम सो रहे थे और आवाज़ आई बाथरूम से। मैंने अनुप को बोला फटाफट से जाके देखो, तो पार्थो नहा रहा है। पता नहीं कब उठ के वॉशरूम जाके नहा रहा है और हम अभी सो रहे हैं। तो उठ जाते हैं, आज संडे है। देखो बच्चों को ना ये आदत लग जाती है अपने आप से उठने की, अगर अच्छा लग रहा है कि वो अपने आप उठ के नहा धो रहा है। चल मैं भी उठती हूँ, चाय वाय पीती हूँ। आज संडे, आज की दिन चलना शुरू करेंगे। ये कौन आ गया छुपे छुपे नाई नाई कल के? अरे छुपे छुपे कौन नहाता है भैया इतनी छुपे छुपे? ठंड नहीं लग रही? चो 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 कपड़े पहनो पहले, जाओ डैडी ने निकाला आपके रूम में कपड़े वपड़े सब दे देंगे। जाओ आज मैं आपको सरप्राइज देने बैठा था। हाँ। डैडी उठ गए। अरे बेटू मेरे को ऐसे सरप्राइज सुबह सुबह नहाएगा तो जुकाम लग जाएगी, दो मिनट रुक के नहाना है ना बाबू। मैं तभी उठ गया, मम्मी को खुश करने के लिए। मैंने पॉटी भी कर ली, सुसु भी कर लिया, सब कुछ ना भी लिया, ब्रश भी कर लिया। शाबाश, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। हम यहाँ सो रहे हैं और पूजा हो रही है गाइस। टन टन बज के पार्थू की पूजा भी हो रही है, हम अभी सो ही रहे हैं। क्या करोगे सुबह सुबह उठ के बैठ गए, अब सो जाओगे ना दोगे? नहीं नहीं तुम का। अरे वहाँ पे जाओ अपना सूर्य प्रणाम क्या करते हो, आपकी योगा वोगा क्या होती है? तो इधर आओ, मुंह सही रखो पहले। तुम भी हैप्पी फ्रेंडशिप डे। हैप्पी फ्रेंडशिप डे। हैप्पी फ्रेंडशिप डे। आपको याद नहीं था ना? मुझे तो लगा एक साल बाद आएगा। काहे एक साल बाद आएगा, आज ही आया, अब एक साल बाद आएगा आज के दिन के बाद। हैप्पी फ्रेंडशिप डे आप सभी को भी। जनवरी या फरवरी में ही हो गया था, मुझे नहीं पता, मेरे को लग रहा है आज है। बहुत सारे लोगों की स्टेटस देखे तो मुझे पता चला है गाइस, ऐसा मेरे को पता नहीं था कि आज हैप्पी फ्रेंडशिप डे। तो हैप्पी फ्रेंडशिप डे आप सभी को, मेरे सभी प्यारे प्यारे, सॉरी, थैंक यू सो मच, हैप्पी फ्रेंडशिप डे गाइस। तो देखो सुबह सुबह अनूप क्या लेके आ गया, फ्रेंडशिप डे मना रहे हैं। अनूप हमारे लिए लेके आए फ्रेंडशिप डे पे प्याज की कचौड़ी, ये क्या बाबू मैं भूल गई इसको क्या बोलते बाबू, वड़ा पाव और पार्टी के लिए समोसा, दोस्ती चाय गिरेगी, कॉफ़ी गिरेगी। तो ये रहा, कॉफ़ी मेट डाली आपने इसमें। एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग बताना चाहूंगा मैं, जोर से बोलो जय माता दी। जय माता दी कि ना मैं आज ये, क्योंकि मैं जब ऐसे जाता हूँ संडे को कई बार और नीले का सुबह के बोल, अरे यार जानू आज, ए भगवान जानू तो कहीं नहीं बोलती, बुरा आप कैसी बात कर रहे हो, आज तो आज जोर से बोलो। छोड़ी लिया थे यार, आज संडे था, ठीक है आज मैंने सोचा कि हाँ यार ठीक है संडे है, काफी और काफी टाइम से नहीं खाई, बहुत टाइम, यहाँ तो फर्स्ट ही टाइम ऐसा, तो मैं दे देता हूँ। मैंने कहा तुम्हें लाना जरूरी था, मैंने ये दाल के पराठे वो रात से, बट मैं वैसे सोच ही लाया, मैंने कहा यार रात को तो दाल खाई थी पराठे, मैंने कहा आज रात को खा लेंगे, तो अब ये ले आया। गाइस ऐसे ही होता है, जब नहीं लाते तो हम बोलते हैं ला दो, और मैं नहा के आ गई बस, अभी जस्ट नहा के पराठे क्रीम लगा के आ गई, मैंने कहा पहले खा लेते हैं, अपने चाय बना दी थी एंड फिर उसके बाद आज घर के काम करेंगे, आज डी मार्ट भी जाना है मुझे। राजस्थानी चटनी बनाते हैं ना ये, इतना मिर्ची डालते हैं बाबा, राजस्थानी में मिर्च ज़्यादा खाई जाती है ना मुंबई की तरह। आ डैडी बुला रहे, एक मिनट आओ। हाँ जी बुढ़ो, ये कागज देख लो, इसके स्कूल से मिला है, देख लो ये बोल रहा है डैडी को दिखा दो, डैडी को दिखा दो, इससे पूछ लो क्या करना चाहता है, और ये कर भी पाएगा पूछो। नहीं कर पाएगा बाबू ये जनरल, मैं कर पाऊंगा क्या पता है तुझे, जनरल नॉलेज में क्या होगा बता, जनरल नॉलेज में ये सब होगा जो हमारी बुक में है। अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है बता? अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। चलो नहीं देना अभी तक पता ही नहीं है, जाओ गूगल में देखो, जाओ यूट्यूब में सर्च करो कौन है तुम, जो बाइडन
जो बाइडन है बुढ़ो, जो बाइडन है। तो पहले क्या मजे ले रहे थे वहाँ पे? ओबामा, डोनाल्ड ट्रम्प, हाँ सब पुराने पता है। यूट्यूब पे वीडियोस होती है जीके की, हाँ ऐसे नहीं देंगे बेटा 150 रुपए बहुत बड़ी अमाउंट। रशिया का पुतिन जिसका भी हो, पहले आप ये बात सुन लो, 150 रुपए बहुत बड़ी अमाउंट है, बहुत बड़ी है। मैंने तो मेरे पास 150 थे ना। डैडी आपको कच्चा वापस भेज देगा ये। 100 दिनार मिले थे ना इसको भी, 100 दिनार मिले थे इसको, किसने दिए थे? अच्छा 100 दिनार मिले थे, दिरहम नहीं धरम। 100 दिरहम कितने होते हैं बुढ़ो? 2200-2300 रुपए। अरे वो कहाँ है, मुझे दो ना मुझे तो आपके पास है वो। बड़े चलाक बनते हो, याद हो बच्चे की कमाई माँ की होती है हमेशा। बड़े आए धीरम रखोगे, हाय राम। नहीं बोल मम्मी भी व्लॉग देखो बुढ़ो, पता है बुढ़ो कितना सियाणा है ये, जो भी चीज खराब होती है ना जब मैं इसको डांटती हूँ तो कहता है कि ये सब व्लॉग में मत डाला करो। क्यों गाइस? क्यों अभी बोला इसने गाइस? ये बुढ़ो पकड़ना बनाना, हम दोनों चलो बस रेडी हो गए। आज पार्ट 2 गाइस, फिर से फुटबॉल की ड्रेस में एक बार, ये जाना डेडा वेट कर रहे हैं। गार्ड भैया ऐसे बोल देना अगर डैडा के पास जाना होगा तो मुझे कृष्ण लीला तक छोड़ दो, ठीक है? yes. और डैडी आप उसको टाइम से ले आना, छोड़ना मत, बच्चों का खाने का टाइम है ना, सब अपने घर चले जाते हैं टाइम से। चलो भाई गाइस पार्ट 2 गया और आज संडे में हमारे घर बन रहा है, ये देखो मैंने कटिंग करके रख दी है लौकी, चावल भी खा लिए और चने की दाल, और बर्तन वर्तन हो गए, सब कुछ हो गया, बस मैं खाना बना रही हूँ। मैंने नहा भी लिया है, बस मैं रेडी नहीं हुई हूँ। आज पार्थो के रूम की बेडशीट भी चेंज कर दी, छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को बता देते हैं, यही तो व्लॉग है। और मैंने ना इसको खोल के रखा हुआ है ताकि हवा आए, ऐसे थोड़ी हवा आएगी ना तो अच्छा लगेगा बस। और यहाँ पे मैं थोड़े से कपड़े सुखा चुकी हूँ और ये वालों के लिए जगह नहीं हो रही है, तो पहले ये सूख जाएंगे ना, 10-5 मिनट बाद इनको उठा लूँगी क्योंकि कल से ही सूख रही है। तब तक मैं खाना चढ़ा लेती हूँ गाइस। तो गाइस इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है ना आज, आप मेरे मुंह में पसीने से देख सकते हो, लेकिन मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन बाद सूखा सूखा नज़र आ रहा है बाहर भी, तो कपड़े सूख रहे हैं ना तो बस ऐसा लग रहा है सूख जाए। अनु तो 2-2.5 बजे करीब ही आएंगी, तो 1:30 बज रहे हैं अभी। चावल बन चुके हैं और सब्जी भी ऑलमोस्ट सीटी मारेगी बस, अब और कुछ नहीं करना क्योंकि तड़का मैंने लगा दिया है। तो खाना बन गया, अब मैं जाती हूँ थोड़ा घर के जो बाकी के काम है वो निपटा देती हूँ और साथ साथ में आपके संग शूट भी कर रही हूँ। और आज उनसे कहा है मैंने कि बुरा आज वीडियो चले, बहुत टाइम हो गया बाहर वीडियो नहीं गए, वही एक बार मैं वीडियो गई थी उसके बाद मैं नहीं गई, तो मैंने कहा चलो चलते हैं क्योंकि पार्थ बहुत दिन से बोला डैडा प्लीज़ बाहर लेके चलो, बहुत दिन से नहीं गया, तो जबकि अभी तो वही घूम के आया है, लेकिन इस बात को भी 1.5-2 हफ्ते तो हो चुके हैं शायद, तो इसलिए चलेंगे तो फिर चलेंगे सब साथ चलेंगे। गाइस खाना चढ़ा के मैं आ गई हूँ और अब सीटी लग रही है, बस दाल पहले तड़का लगा दो ना, वो देखो सीटी आ रही है, फिर ये टेंशन नहीं रहती कि दाल को तड़का लगाना है। इतना ज़्यादा शोर आ रहा है, कैसे शूट करूँ? बाहर से ना बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है गाइस, 2 मिनट के लिए बंद होगा तो बोलूँगी। हे गाइस तो हम जा रहे हैं जूडियो जैसे मैंने आपको बताया था, और आज फ्रेंडशिप डे पे मेरी फ्रेंड ने बहुत ही प्रिटी ड्रेस भेजा था, उसका टैग आज काटा है और आज ये वाली फ्रेंडशिप डे पे ये वाली ड्रेस पहन के जा रही हूँ, तो बहुत ही सुंदर। और मज़े की बात ये है कि मेरे संग, यहाँ देखो इसके संग मेरे पास पजामा भी था सेम इसी कपड़े का, तो बहुत ही प्रिटी ड्रेस है, थैंक यू सो मच वंस अगेन। और चलो बस अब हम चल रहे हैं, और पार्थो जाना नहीं चाहता लेकिन हम ले जा रहे हैं, लेना क्या है सब कुछ भी दिमाग में सोचा, बस बाहर निकलेंगे थोड़ा सा त्यौहार जैसा फील होना चाहिए। और मुझे अनूप से पता चला है कि गणपति जी के पांडाल भी लग गए, तो मैं उसके लिए भी बहुत खुश हूँ कि वो जो एक नीले नीले से पांडाल लगे थे ना, वही देख के मुझे बहुत खुशी होती है। तो बस बाहर निकल के आते हैं, थोड़ा सा मूड फ्रेश होकर, बाहर देखो कितना शोर हो रहा है, इसलिए भी निकलना ज़रूरी है, तो चलो चलते हैं।
तो आई डोंट नो गाइज, आप में से कितने को फील होता होगा ये जो पंडाल जैसा होता है ना, इनको देख के इतनी अंदर से खुशी आती है मैं आपको बता नहीं सकती। अभी तो गणपति जी अंदर से देखे भी नहीं, इसको देखते ही मुझे त्यौहार त्यौहार सा फील होने लग जाता है। पक्का मुंबई के लोगों की जैसी फीलिंग फील होती है मुझे। यहाँ देखो अभी गणपति जी बुक भी हो चुके हैं और अभी तो रेडी भी नहीं हुए, सिर्फ मूर्तियाँ ही बनी हैं और यहाँ अलाउ नहीं कर रहे थे ना शूट करने के लिए। तो बस ये देखो हम गए थे पंडाल में और एक दीदी जो हर साल मुझे पहचान लेती है, मैं यहाँ अनूप को देख रही हूँ कि कहाँ रुक गए पता नहीं। तो चलो मैं ऊपर चलती हूँ और तब तक आप और मैं बातें करते हैं। तो ये गाइस इस बार है ना मैंने गणपति जी बुक कर लिए और इतने क्यूट इतने प्यारे गणपति जी इस बार अनूप ने पसंद किया। मैं कहीं और देख रही थी लेकिन अचानक से अनूप आए, अनूप ने बोला ये वाले लेने हैं, मेरे को इतना अच्छा लगा। मैंने बोला हमारे थैंक यू जी, आपको भी हैप्पी फ्रेंडशिप डे, हम सब की तरफ से आपको हैप्पी फ्रेंडशिप डे। देखा बच्चा ना लाने का फ़ायदा, कुछ नहीं कह रही, बच्चा ना लाने का फ़ायदा, बच्चा होता है ना तब ये चीज़ नहीं कर पाता। तो गाइज हम जा रहे हैं अंधेरी वेस्ट की ईस्ट बाबू वेस्ट, तो हम जा रहे हैं अंधेरी वेस्ट और टिकट ले ली है और अब जूडियो में जाएंगे। जूडियो में देखते हैं कुछ अच्छा आया कि नहीं आया। तो यहाँ अचानक से वीडियो रोकनी पड़ी क्योंकि एक आदमी आया, वो अनूप को सर सर करके पीछे पीछे लग रहे थे। मैं थोड़ा डर भी गई, तो बाद में पता चला अनूप ने उनकी टिकट खरीद दी थी क्योंकि उनके पास पेमेंट नहीं थी उस टाइम पे और वो बार बार कह रहे थे कि आप अपना फ़ोन नंबर दे दो मैं पे कर दूंगा। तो अनूप ने बोला मुझे मत करो, उस पैसे को किसी गरीब को दे देना मुझे अच्छा लगेगा। और बस यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं अंधेरी ईस्ट या वेस्ट में फिर भूल गई सॉरी। तो बस हम जूडियो के लिए पहुंच चुके हैं और यहाँ अनूप मुझे कह रहे थे कि तुम्हें दुबई नहीं घुमाया ना, तो इस बहाने एटलीस्ट तुम्हें यहाँ घुमा। तो गाइस ऐसा मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया था, सुबह उठ के बस ऐसे ही बोल दिया अनूप को कि जूडियो जाना है और अनूप ने भी मान लिया कि जूडियो जाना है। तो कुछ नहीं है दिमाग में कि कुछ लेने आए हैं या ऐसा, ज़रूरी नहीं कुछ ले के ही जाएंगे, ऐसे घूम के भी चले जाएंगे बस थोड़ा सा जैसे कि बताया। अच्छा बेटा दुबई का भरपाई वीडियो से शर्म नहीं आती, नेपाली घुमा दो इससे तो अच्छा। फिर ऐसे तो मैं अकेले तो दुबई का टक्कर लोगे तो फिर वीडियो भलाई का नहीं है, भलाई का जमाना नहीं है, देखो सभी लिए दोस्त भी हैं यहाँ पे मेरे, देखो दोस्तों ऐसे बोलो। तो गाइज़ यहीं पे फर्स्ट फ्लोर में जूडियो और आ गए हम लोग और यहाँ पे पूरा पर्स का भी है बहुत अच्छा, देखते हैं। और यहाँ पे स्टार बाजार। तो गाइज आज बहुत ही गलत दिन जूडियो आ गई, सैटरडे था, सैटरडे संडे तो मतलब जाना ही नहीं चाहिए, इतना रश कि पैर रखने की जगह नहीं, ऊपर से सारा सामान छट चुका था, कोई एक अच्छी टी शर्ट नहीं मिली, कुछ भी नहीं। अनूप यहाँ पे से ना परफ्यूम छाट रहे हैं क्योंकि मुझे परफ्यूम से एलर्जी है, बहुत लिमिटेड और लाइट खुशबू वाले ही लगा पाते हैं, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। एक ले दे के मुझे पैंट बोल लो कुछ वो अच्छा लगा था, फिर वो भी नहीं लिया। फिर अनूप ने बोला वो सामने वाले में चलते हैं, सब जूडियो के ही पार्ट है चलो। तो यहाँ 99 और मतलब जैसे एक विशाल मेगा मार्ट की जो क्वालिटी होती है ना सामानों की, वो वाली क्वालिटी थी। गाइज ये देखने में अच्छे लग रहे हैं बट क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी इनकी, सिर्फ होम डेकोर का थोड़ा सा सामान अच्छा लगा मुझे लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली, वो वेस्ट साइड वाली जो प्राइस होती है ना वो था, बाकी तो सब सामान बहुत ही चीप 199 ऐसे वाला, बिल्कुल वो विशाल मेगा मार्ट में जो क्वालिटी मिलती थी ना बहुत ज़्यादा हाई क्लास ना बहुत ज़्यादा लो। तो मुझे तो यहाँ कुछ भी पसंद नहीं आया, बस हाँ दो नेल पेंट मैंने ली थी वो मैंने ले लिया। देखो अब बिल करने के लिए आए, जो हमने सामान लिया था तो ये हाल था, तो यहाँ रख दिए मैंने ये वाली पैंट ली थी ये वाली और पजामा टाइप जो मैं घर में पहनती हूँ ना जैसा वैसा वाला, बस फिर हम निकल गए बाहर। तो गाइस वीडियो से तो हमने कुछ भी नहीं लिया क्योंकि आपको दिखाती हूँ इतनी भीड़ थी कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा भीड़ थी गाइस वहाँ पे, मतलब अगर हम बिलिंग काउंटर पे लगते ना तो 1.5-2 घंटे कहीं नहीं जाते। मैंने उनको बोला रहन दो सामान के लिए, लेकिन मैंने दो नेल पेंट लिए, एक ये वाला कलर और एक ये वाला कलर, वो एक बगल में जगह थी ना वहाँ से। अब हम जा रहे हैं इन्फिनिटी बोल रहे हैं अनूप अंधेरी वाले। हाँ तो आज अनूप ने बोला चलो लोखंड वाला भी चलते हैं अंधेरी मॉल के बाद यहाँ भी चलते हैं, मैंने कहा नहीं बस अब हो गया घर चलते हैं, आज पार्थू नहीं था ना तो हम आराम से घूम पा रहे थे। अनूप का दिल अटक गया वेस्ट साइड में इसमें,
और ये सिर्फ 999,000 रुपीज़ में मिल रहा था, 3,000 का प्रोडक्ट, सिंगल पीस था गाइस, कोई डिफेक्ट नहीं। बस पर मैंने उनको बोला मुझे चाहिए ही नहीं बुढ़ो, मैं क्या करूँगी, मैं ऑलरेडी मेरे पास है और जो साइज़ छोटा था वो मेरे पास है, मेरा खुद का बड़ा घर होता तो मैं ज़रूर ले लेती, लेकिन ये गाइस बहुत अच्छी डील थी, मतलब अनुप तो छोड़ने को तैयार ही नहीं हो रहे थे, बार बार मुझे कहते सोच लो, मैंने बोला सोच लिया मुझे लेना नहीं है। मुझे पता है क्या अच्छा लगता है, वो पिछली बार मैंने ख़रीदा था आप लोगों को दिखाया नहीं था, तो हमने ना 10,000 का सामान एटलीस्ट यहाँ से ले लिया था, फिर मैंने वो सारा सामान रख दिया था। तो ये देखो ये ना 2,000 का है और पिछली बार ये मुझे 1,000 रुपीज़ में मिल गया था 50% डिस्काउंट में, एक बार मैं और अनूप आए थे हमने बहुत सामान लिया था तब। और यहाँ पे बस अब हम घर जा रहे हैं और ना बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो रहा है, तो मैं बोल तो रही थी कि मेरी आँख में दर्द हो रहा है और किसी ने नोट तो किया कि दीदी आपके आईज़ में कुछ हो रहा है, तो बस अब घर के लिए निकले। यहाँ बस पैंटालून से ना अनूप ने एक चप्पल ली थी तो ये अनूप ने पहनी, और हमने देखा ऑटो वाले भैया की चप्पल पूरी टूटी हुई थी तो अनूप ने अपनी जो वो दूसरी चप्पल थी ना वो काफ़ी सही थी तो भैया को दे दी। एंड बस अब इसके बाद हम गए पार्थो की ड्रेस लेने के लिए। हे गाइस, हम यहाँ पार्थो की ड्रेस लेने आए हैं 15 अगस्त के लिए ना, उन्होंने वाइट ड्रेस बोली है तो ड्रेस लेंगे। और मेरी आईज में ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है मेरे को ना। क्या देख रहे हो, अनूप कह रहे दाबेली खाओगी, यहाँ मेरे को चाय पीने का मन कर रहा है, इनको दाबेली दबा के नहीं दाबेली। मुझे आज फ्रेंडशिप डे कम वैलेंटाइन डे ज़्यादा लग रहा है, ऐसा क्यों आई डोंट नो पर लग रहा है गाइस। बोलो ऐसा मत बोलो भाई, मेरे बच्चे को दाबेली खाने आए थे गाइस, दुकान बंद है, संडे क्लोज, अब संडे तो लेगा बोल के हम आ गए इतनी दूर वहाँ से ऐसे घूम के। पेरेंट्स वगैरह तो संडे को ही बच्चा भी स्कूल होगा, अगर कायदे से देखा जाए तो कोई वेनेसडे वेनेसडे बंद होना चाहिए जी, बोल तो वन लिख दो ना, उन्होंने लिखा हुआ है। चलो गाइस अब हम दाबेली खा लेते हैं और क्या करें, है ना, दाबेली खाते हैं। गायब है सब फूड लवर गाइस, पता है पार्थो है ना, देखो हम अभी घर में घुस रहे हैं, विराज और पार्थो नहीं है, पार्थो हमारे संग नहीं गया क्योंकि उसको ना समोसा खाना था। सुबह अनुप समोसा लाए थे तो वो मैंने रख दिया था कि नहीं तूने पराठे खा लिए तू नहीं खाएगा, एक समोसा रखा हुआ था तो वो हमें कह रहा आप लोग जाओ, मैं नहीं जाऊँगा। और विराज बोले विराज भाई आप सो जाओ ताकि वो खा सके, तो हमने घर आते ही चेक किया समोसा खाए हुए। तो गाइस हम आ गए और मेरी ना इसके ऊपर दर्द हो रहा है, इसके अंदर नहीं हो रहा है, देखो कितने ज़्यादा चाहने वाले हैं, कमेंट बॉक्स में पहले ही लिख दिया था दीदी आपकी आई बॉल के ऊपर वो आ रहा है, कोकोनट वाटर पियो आपकी आँख वो हो रही है बोल के। आप मेरे संग हो तो भी आप नहीं पहचान पाए, देखा सच में मुझे कमेंट आया था अफसिया का कि दीदी आपकी आई के ऊपर दिख रहा है, और जबकि अभी आप लोगों में से इतने लोगों को पता नहीं चलेगा, लेकिन सच में मेरे को कल से पता है कि मेरी आँख में एक छोटा सा दाना सा हो रहा है, लेकिन मेरे को डाउट था कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलो गाइस मैं अब जरा खाना वाना बनाती हूँ, पूजा वूजा करती हूँ, बहुत सारा काम करके मैं रात को ब्लॉग एंड करने के लिए मिलूंगी आपसे। तो गाइस यहाँ पे आके मैंने बस फटाफट से पनीर की भुज्जी बना दी है और अब रोटी बनाऊंगी, आटा भी गूंथ गया है, रोटी बनाऊंगी। और ये थोड़ी सी दाल पड़ी थी ना दिन की, अनूप ने बर्तन धो दिए थे आज दिन के, तो इसको बस मैं रिता के धो देती हूँ फटाफट से, फिर रोटी बनाऊंगी। तो गाइस पूजा कर ली और वो देखो आज है ना मैं वो शीशा लेके आ गई हूँ पूजा के लिए, क्योंकि जोत नहीं जग पाती थी, और आज फाइनली दोनों खिड़कियाँ हमने खुली करी क्योंकि अब हवा से दिया नहीं बुझ रहा है। तो बस रोटी बनाऊंगी, खाने खिलाऊंगी, विराज और पार्थो आ रहे हैं, उनसे कॉल कर दिया है, और अभी हमारी आकांक्षा ने आज फ्रेंडशिप डे पे कुछ भेजा है मेरे लिए, तो मैसेज आया कि दीदू मैंने कुछ भेजा है आपके लिए, पता नहीं क्या भेजा है, लेट्स सी अभी आता है तो देखेंगे, वो वीडियो के एंड में जोड़ दूंगी मैं, ठीक है। तो बस इस व्लॉग को भी एंड करती हूँ क्योंकि तो भी बहुत सारा काम है, कल पार्थो का स्कूल है ना तो थोड़ी सी तैयारी भी कर लूँगी, इस व्लॉग को भी एंड कर देती हूँ, मिलूंगी कल और एक नई दिनचर्या के साथ, तब तक लव यू ऑल, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, ऐसी मैं कामना करती हूँ, आप सब हमेशा खुश रहें। बॉल वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल पे न्यू है तो, और कमेंट करना आप सब कैसे हैं, कुछ खास हुआ दिन में तो जरूर मुझे बताना। बाय, मिलती हूँ कल। और How was your day? दम फूल गया है? मैं आपको एक रही
सबसे पहले देखने के लिए और लाइक और शेयर दोनों कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, हमारी वीडियो एंजॉय करना। बाय बाय। ये क्या है, ये कौन सी रील है? बनी डांस टीचर। देवी माँ मेरे को हो रहा है, अगर जो मेरे से मुंह फेर, चश्मा ला के दो मेरे को, अपना जिसके पास महंगा वाला चश्मा है वो चश्मा दे दो। मैं देखो विराज को ही दिखाऊंगी। विराज मित्र देखो ब्रो पकड़ो, मुंह पकड़ो, यहाँ पे डबिंग में जाना है। खाना बनाते देख लिया, देख लिया खाना बना तो खाने में कर, मैं खाना बनाते कर देती हूँ। तो देखो आज आकांक्षा ने हैप्पी फ्रेंडशिप डे के लिए हमारे लिए सबके लिए कुछ भेजा है। वो राधिका की मम्मी नीचे पहले वाले घर में नहीं रहते थे। अच्छा। तो गाइस आज हमें ना बालकनी में बैठ के खाना खा रहे हैं सारे लोग। यो 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 केक है, कप केक है। वाओ, हम चारों के लिए। थैंक यू सो मच आकांक्षा, हैप्पी फ्रेंडशिप डे। देखो कितना है स्वीट। ये भी खाने का है बात? सभी खाने का है? नहीं, ये भी खाने का। अच्छा, कहीं नहीं, उसको बेवकूफ मत बनाओ। ये वाला लूंगा। अरे ये खाने, ये उसके बने हुए हैं। हाँ जरूर जरूर, तुम खाओ खाओ, तुम खाओ पहले खाओ। मैं तो खाता नहीं। हाँ बताओ अभी।